अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर इक्तदार में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात ने दारुल हुकूमत में बसने वालों को ये महीना मुनफरिद अंदाज में मनाने का मशवरा दे दिया। हमजा शफकात ने नौजवान नस्ल को क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत भी दी। देखें, यूथ के लिए मेरा अभी तो वही जो हमारी अभी कैंपेन चल रही है क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन, उसमें मैं सारी यूथ को इनवाइट करना चाहता हूं कि वो आएँ और इस्लामाबाद में जो हमारा टारगेट है कि हमने अगस्त के महीने में 10 लाख दरख्त लगाने हैं, इसमें हमारा साथ दें। हमने जगह आइडेंटिफाई कर दी है, हमने स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़ भी आइडेंटिफाई कर दिए हैं और हमने फ्री ट्रीज़ भी जो हैं वो अरेंज करके अभी कुछ ही दिनों में वो स्टॉल्स लगना शुरू हो जाएंगे। डीसी इस्लामाबाद का कहना था कि अगस्त के महीने में कागज़ और प्लास्टिक की झंडियों के बजाय दरख्त लगाकर माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने में अपना हिस्सा डालें। और मेरा मैसेज सबको ये है कि 14 अगस्त पे बजाय इसके कि आप मेड इन चाइना प्लास्टिक के झंडे लगाएं, उससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान के अंदर दरख्त, पाकिस्तान के बने बने दरख्त जो हैं वो हर दफ़ा लगाएं। झंडे से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दरख्त लगाएं। माहिरीन का कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई आबादी के बायस बहुत सी माहौलियाती तब्दीलियाँ तेज़ी से रोनुमा हो रही हैं, जिससे बचना और इसके हल की तदाबीर मौजूदा वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरा मैन उमर शहजाद के साथ सूफी यूसुफ़ज़ई, DBTV इस्लामाबाद।